सुब्रमण्यम स्वामी अपने विभाग बोल के लिए जाने जाते हैं। मूड में आते हैं तो फिर किसी को नहीं बख्शते हैं। एक बार तो ये अमित शाह पर ही बरस गए थे। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और साथ ही वर्तमान में बीजेपी में हैं। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी 22 अप्रैल 2023 को पटना आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक पर बात की। आज हम विजुअल के साथ उन 5 बातों को सुनाते हैं जिन्हें पटना दौरे के क्रम में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। अभी अतीक अहमद सुर्खियों में है। उनकी पिछले दिनों प्रयागराज में हत्या हो गई और इसे लेकर जब मीडिया ने पटना आए सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई भी इस तरह से हत्या नहीं होना चाहिए, हालांकि वो भी गलत काम किया था। इन सारे बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए और पटना में अतीक अहमद पर नारे लगाए जाने को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है। आइए पहले ये सुनते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोल रहे हैं अतीक अहमद को लेकर। वो क्या थे सबको पता है और ये कैसा हुआ उस पर जांच हो रही है, कोर्ट में जाएगी। तो मैं तो वहाँ था नहीं और मुझे इसकी भूमिका भी नहीं पता है, तो इसीलिए जब तक कोर्ट के ज़रिए कुछ आएगा नहीं मैं इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि ना मैं उसके पक्ष में हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया और घोर तरीके से, उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। फिर भी उनका जान लेने के किसी को अधिकार नहीं है। उसको सजा देनी है तो कोर्ट में जाकर उनको सजा मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए वो ले जाया जा रहा था। तो कहीं से 2 लोग आए और उनको पीठ में पीछे से उन्होंने उनको मार दिए। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये ऐसे घटनाएं हो सकती हैं। उनको ऐसे पैदल ले जाना क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ों पर जांच करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। शराबबंदी पर भी सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बोले और कह दिया कि शराब को हाथ लगाना बहुत ही गलत चीज है। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और सुब्रमण्यम स्वामी बहुत नामी लॉयर है। ऐसे में उनसे मीडिया ने पूछा कि बिहार में शराबबंदी कानून कितना सही है तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि शराब कहीं से भी सही नहीं है। पहले लोग नहीं मानते थे लेकिन अब डॉक्टर भी कहने लगे हैं। इतना ही तो अब सिगरेट को भी लोग मानने लगे हैं कि अब वो सेहत के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यह जबरदस्ती किसी पर थोपना नहीं चाहिए लेकिन शराब को छूना बिल्कुल गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब बेचने वाला देशद्रोही होता है। आइए अब सुनते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी शराबबंदी को लेकर क्या बोल रहे हैं। बट शराब मत पियो, मैं नहीं कहता हूँ जबरदस्ती करना चाहिए, क्योंकि लोग फिर जाकर छिपके बात करते हैं और फिर ये सारा नंबर 2 काम शुरू हो जाती है। शराब बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। जैसे आज लोगों को दिमाग में आया है और डॉक्टर्स के कहते कहते थकते आज ये सब मानने लगे हैं कि सिगरेट पीना भी गलत है। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पटना दौरे में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर भी खुलकर बोले। पुलवामा आतंकी हमले पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर स्वामी ने कहा कि वो गंभीर नेता है, असत्य नहीं बोलते हैं, उनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन सत्यपाल मलिक अभी तक इस मामले पर कुछ प्रमाण नहीं दिया है और साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा कि पुलवामा दुखद घटना है, यदि इसमें किसी से गलती हुई तो जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल पुलवामा कांड को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीधे नरेंद्र मोदी के कई बिंदुओं पर घेरा है और उन पर आरोप भी लगाए हैं। इसी पर सुब्रमण्यम स्वामी पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी पर भी गजब की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अभी इमरजेंसी कहना सही नहीं है, अभी के राजनीतिक स्थिति इमरजेंसी से काफी दूर है। उन्होंने इंदिरा गांधी पर हमला करते हुए कहा कि उस दौर में इमरजेंसी से देश को काफी नुकसान हुआ है और साथ ही कांग्रेस को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, वो भूल भी जाएगी लेकिन पब्लिक नहीं भूलती। उन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। इस पर लोग पूछते हैं कि आपको पार्टी नहीं निकालती है तो हम साफ कह देते हैं कि फिर तो और अधिक बोलेंगे। आइए सुनते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पर क्या बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो देशद्रोही काम था और इससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ
कितने लोगों, 101,40,000 लोगों को बिना कोई मीसा में बंद कर दिया था। तो इसीलिए ये कांग्रेस वाले अपने इतिहास को इतना जल्दी भूलने क्यों चाहते हैं, पब्लिक तो नहीं भूलेगी। हाँ, मैं तो समझता हूँ कि कई चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, मैं ओपनली बोलता हूँ उस पर। और लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला, मैंने कहा निकालेंगे तो और भी बोलूँगा। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर नीतीश कुमार से जुड़ा सवाल था, जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार का दो सपना है, पहला विपक्ष को एकजुट करना और दूसरा पीएम बनना। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि कौन नहीं चाहता पीएम बनना और किन का सपना नहीं होता। जहां तक प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होने का है तो वह एक ही आदमी का पूरा होगा, चाहे किसी का हो। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कभी किसी ने सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बन गए। फिर नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते, इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं तो फिर वो क्यों नहीं उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि हमें पीएम उम्मीदवार बनना है, जब वो खुद से कहेंगे तब सीरियसली लेंगे। नहीं, सपना तो एक ही का होगा, अब किसका होगा मैं क्या कह सकता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे मैं कोई नहीं सोचता था, बन गए, आश्चर्यजनक था। और क्यों नहीं, जब मुख्यमंत्री रहे हैं इतने बार, इतने लंबे काल के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर बनने चाहते हैं, वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे तो हम उसको सीरियसली लेंगे। बट पत्रकार कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि नहीं वो प्रियम के लिए चाहते हैं, वो मैं उसको कैसे सीरियसली ले सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।